मैं पंकज शर्मा, प्रेसिडेंट ऑल जे एंड के 10+2 कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चर फोरम, आपके माध्यम से मैं एक बार दोबारा ये बताना चाहूँगा कि हम काफ़ी लंबे समय से अपनी जेन्युइन डिमांड के लिए एजिटेट कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा अभी तक हमारे फेवर में कोई डिसीजन नहीं लिया गया। पिछले दिनों जो है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जम्मू कश्मीर के जितने भी टेम्प्ररी इम्प्लॉयज़ थे, कॉन्ट्रेक्चुअल, कंसल्टेड, एडहॉक, कैजुअल बेस्ड, नीड बेस्ड इम्प्लॉयज़ का जो है कंप्लीट डाटा जो है जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट से मांगा था और बजट में इसका प्रोविज़न रखा गया था। और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि अभी तक जो है कोई भी डिसीज़न जो है गवर्नमेंट के द्वारा हमारे फेवर में नहीं लिया गया। मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये अपील करना चाहूँगा और यूनियन गवर्नमेंट से भी ये अपील करना चाहूँगा कि इस प्रोसेस को स्पीड अप करें ताकि ये हमारी ये जो लॉन्ग पेंडिंग जेन्युइन डिमांड है ये रिजॉल्व हो सके। पिछले दिनों ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री जुगल किशोर शर्मा जी से भी हमारी मीटिंग हुई है, उनके नोटिस में भी हमने ये मैटर लाया है और उन्होंने पार्लियामेंट में ये इशू रेज़ किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी फोरम की तरफ से उनका हाईली थैंकफुल हूँ और उनसे ये हैंडफुल रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ, अपील भी करना चाहता हूँ कि इस इशू को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करें, हमारी सपोर्ट करें इस इशू को रिजॉल्व करने में, ताकि हम लोगों का ये जो जेन्युइन डिमांड है ये रिजॉल्व हो सके और हम लोग जो है और ज़्यादा सफ़र हमें ना करना। सर, जबकि रविंद्र जी का कहना है जब हमारा पहला सीएम अगर जम्मू में आएगा तब हम सबकी जो प्रॉब्लम इशू सब सॉल्व कर देंगे, इससे क्या कहना है आपका? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्री रविंद्र रैना जी हैं उनसे भी हमारी मीटिंग हुई है और उन्होंने हमारे केस में पर्सनली इंटरवीन किया है और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट की है, उन्होंने एक लेटर लिखा है कि इनका केस जो है क्वाइट जेन्युइन है, इट शुड बी रिजॉल्व्ड। तो मैं रविंद्र रैना जी से भी ये अपील करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट तो बनती रहेगी, हमारा इशू जो है इलेक्शन से पहले रिजॉल्व करवाएं ताकि हम लोगों को और ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े।